स्थानीय पुलिस या स्थानीय प्रशासन कोई आपके पास आया है किसी तरह की इंक्वायरी की है पूछताछ? क्या मदद आप सरकार और प्रशासन से चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी नौकरी भी डिस्टर्ब है, बच्चे भी अभी डिस्टर्ब हैं, हालात अभी सामान्य हुए नहीं है, क्या उम्मीद आप सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं? मैं तो सरकार से यही कहता हूँ, बच्चे मेरे पास रहें, वीजा और पासपोर्ट उसका रद्द कर दिया जाए, उसको जाने नहीं दिया जाए। स्थानीय लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हम अंजू को नहीं आने देंगे यहाँ पर अगर पाकिस्तान से आती है तो। हाँ, क्या आप स्थानीय लोगों के साथ हैं? आने तो की बात अलग है, पहले आए तो इंडिया में अगर आएगी तो क्या आप स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करूँगा मैं, स्वीकार करने के लिए मैं नहीं करूँगा। अगर आती है तो उनसे आपके क्या क्या सवाल होंगे और किस मुद्दों पर आप उनसे बातचीत करेंगे वो साफ कर दें? मैं तो पहले मुद्दे पर यह बात करूँगा कि तुमने वीजा कैसे बनवाया, मेरे को तो बताया नहीं, ठीक है, क्या तुमने कैसे किया, कहीं फर्जी साइन तो नहीं मारी, कहीं कुछ तो किया, मेरे तो कोई साइन है ही नहीं। तो क्या लगता है कि उसको यहाँ कोई सहयोगी भी हो सकता है क्या? क्या कभी कोई मनमुटाव की बात, कभी छोटी मोटी बात रही हो, कभी आपसे उन्होंने शेयर की हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, वैसे तो कोई बोलती नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल देती है मजाक में, बोल देती है हाँ भाई नहीं रहना, मैं मजाक ही सोचूंगा। अरविंद जी, इतनी बड़ी प्रक्रिया फॉलो की गई, आपको लगता है अकेले फॉलो की गई है या कोई उसका सहयोगी भी यहाँ हो सकता है? ये पता नहीं है, वो एक जाती थी, मैं उसको फ़ोन करता था 9 बजे रात तक, अरे आ जा कहाँ है। एक तीखा तो सवाल आपसे थोड़ा सा कर रहा हूँ, माफी, आपके जो साले साहब हैं डेविड जी, लगातार बीच में चर्चाएँ आई कि उन लोगों को पूर्व से यानी आपके ससुराल पक्ष को पता था कि ये सारा स्टेप चल रहा है, कहीं जा रही है आ रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मेरे डेविड को उसके घरवाली को पता था, भी छुट्टी करके जाती थी। नहीं, पाकिस्तान जाने का पता था क्या ससुराल पक्ष को? ये मेरे को नहीं पता, वो तो मेरे पास संडे को फ़ोन आया कि मैंने सबको बता दिया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई आप अगर कोई आती है अमल में, क्या कानूनी कार्रवाई आप करने के लिए प्रयास करेंगे या अपनी मेन जो उनसे बात है वो क्या लेना चाहेंगे अभी भी? मैं तो यही आमने सामने यही बोलूँगा, भाई मैंने तुम्हें तलाक कब दिया, ठीक है, तुमने दिल्ली में 3 साल पहले कहाँ जमा किया है? मैं तो दिल्ली गया भी नहीं हूँ अभी, और ना मेरे पास कोई आया है कागज। तो क्या आपको FIR वगैरह दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ? उसके बाद जब आएगी तब मैं FIR दर्ज करूँगा।